हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने पोको फोन में एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं एंड इवन हाइड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। सेपरेट से सेटिंग्स नहीं हाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी एक तरीका है, उस तरीके से आप बिल्कुल एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं एंड लॉक तो कर ही सकते हैं। तो उस चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को। तो पोको फोन एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, अगर आपने लिया है तो बिल्कुल बढ़िया डिसीजन। तो पोको फोन पर कैसे एप्लीकेशन को लॉक करें, देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी है होम स्क्रीन पर, सिक्योरिटी करके तो इसके ऊपर एक बार टैप करना है एंड यहाँ पर ऐप लॉक करके दिखाई देगा, तो ऐप लॉक पर एक बार फिर से टैप करना है एंड यहाँ पर आपको एक पैटर्न बनाना है, दो बार कन्फर्म करना है। तो कन्फर्म करने के बाद जो कोई भी आपका पैटर्न हो आप दे सकते हैं एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी पहुँचेगा, तो जस्ट अपना कोई भी फिंगरप्रिंट रजिस्टर किया हो तो ऐसे जस्ट आप टैप करें एक बार तो फिंगरप्रिंट वेरीफाइड। एंड यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है अपने मोबाइल में तो एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है यहाँ से पता चल जाएगा। एंड इससे पहले यहाँ पर एक सेटिंग्स का आइकॉन है, जस्ट आपको एक बार टैप करना है। यहाँ पर देखिए ऐप लॉक के रिलेटेड सेटिंग्स है, जैसे कि लॉक सेटिंग्स, अभी लॉक कब होना है। मान लीजिए कोई फेसबुक का आप ओपन करके देख रहे हैं एंड फेसबुक को आप लॉक भी किया है एप्लीकेशन एंड जस्ट आप अनलॉक करके यूज़ कर रहे हैं फेसबुक, अभी लॉक करना है इसको, तो जस्ट क्या करेंगे आप बैक बटन पर प्रेस करेंगे तो फेसबुक बिल्कुल चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लॉक होना है। तो इसके लिए आपको व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर एग्जिटिंग ऐप, इस पर टैप करना है आपको, सेकेंड वाला ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन यह है कि व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और इन 1 मिनट आफ्टर एग्जिटिंग द ऐप, यानी कि आप ऐप ऑलरेडी उसको क्लोज कर चुके हैं लेकिन फिर भी 1 मिनट तक वो ऐप अनलॉक्ड ही रहेगा, तो ऐसे करने के लिए ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड वाला ऑप्शन चॉइस करके रखें, यानी कि देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा गैलरी ऐप, तो गैलरी ऐप अभी लॉक हो चुका है, अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा या फिर पैटर्न देना पड़ेगा, तो जस्ट मैं पैटर्न से अनलॉक करता हूँ तो अभी गैलरी एक्सेस है। तो यहाँ पर क्या होता है, गैलरी एक्सेस है, जब मैं बैक लेता हूँ एंड फिर से ओपन करना चाहूँ तो फिर से आपको पैटर्न पूछेगा, तो ऐसा रहना चाहिए ऑप्शन, ना कि जब तक मैं डिवाइस को ऐसे लॉक करूँ तब तक भी वो अनलॉक्ड ही रहेगा, तो ऐसे नहीं होना है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप भूल जाते हैं तो Xiaomi का अकाउंट आप अगर ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको बिल्कुल पैटर्न भेजा जाएगा, तो उसके लिए वो बता रहा है आपको जस्ट ऐसा, एंड यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो पैटर्न बिल्कुल अनलॉक करके गैलरी को अनलॉक कर सकते हैं, तो ऐसा सेटिंग है। एंड फिर से अगर आप सिक्योरिटी ऐप लॉक पर जाएंगे तो और भी सेटिंग्स हैं यहाँ पर, जैसे कि देखिए अनलॉक विद फिंगरप्रिंट यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, शो पैटर्न, यानी कि अगर आपको आपके साथ कोई भी है वो भी देख लेता है कि कैसे आपने पैटर्न बनाया है, अगर नहीं देखना है तो इसको आप डिसेबल कर दीजिए, सिर्फ आपको पता रहेगा पैटर्न, तो जैसे ही आप पैटर्न बनाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा एप्लीकेशन, तो ऐसे आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड है, ऐड Xiaomi का अकाउंट है, हिडन कंटेंट, देखिए हाइड नोटिफिकेशन, यानी कि अगर कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है वो भी आप हाइड करना चाहते हैं तो इसको आप ज़रूर इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से ऐप लॉक ऑफ एंड ऑन, अगर आप चाहते हो कि अभी ऐप लॉक नहीं होना है, हमेशा अनलॉक रहना है, तो इस चीज़ को आप ऑफ कर सकते हैं या फिर सेपरेट से ऐसे बैक करेंगे तो सेपरेट से आप वन बाय वन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप लॉक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिसको आप अनलॉक करना चाहते हैं वो बिल्कुल अनलॉक कर सकते हैं, तो ऐसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। एंड ये वाला था लॉक एंड अनलॉक, तो नेक्स्ट हम फीचर देखेंगे इसको कैसे आप हाइड कर सकते हैं। देखिए सेपरेट सेटिंग नहीं, सेपरेट ऐप नहीं हाइड करने के लिए, जो अदर फोन्स में होता है वैसा इसमें नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है Xiaomi ने, बिल्कुल अच्छा एक ऐप दिया है, जैसे कि सेकंड स्पेस, यहाँ पर आपको दिखाई देता है ना सेकंड स्पेस, तो इसको एक बार टैप करना है एंड यहाँ पर अगर टैप करेंगे सेकंड स्पेस तो यहाँ से टर्न ऑन सेकंड स्पेस करके है, जस्ट टैप कीजिए ऐसा एंड यहाँ पर टू स्पेसेस, यानी कि दो अलग डिवाइस बन जाएंगे एक ही मोबाइल में, तो एक पर्सनल से यूज़ कर सकते हैं आप, एक पब्लिक रख सकते हैं, या अगर आप छोटे बच्चों के लिए या दूसरों के लिए देते हैं मोबाइल ज़्यादा तो वो वाला स्पेस क्रिएट करके आप दे सकते हैं, यानी अपना जो भी पर्सनल होता है वो पर्सनली रहेगा, पब्लिक के साथ शेयर नहीं होगा,
वैसा टू स्पेसेस वन डिवाइस, तो कंटिन्यू करेंगे इसको। एंड यहाँ पर यूजिंग ए पासवर्ड सेकंड स्पेस जाना है या फिर यूजिंग ए शॉर्टकट, शॉर्टकट यानी ऐप रहेगा तो उस पर एक बार टैप करेंगे तो उस सेकंड स्पेस पर चल जाएगा, अदरवाइज यूजिंग ए पासवर्ड, तो जो और भी आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू, सेकंड स्पेस का सेपरेट पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, तो सेट करेंगे अभी कन्फर्म फर्स्ट स्पेस पासवर्ड, तो प्रीवियस वाला जो पैटर्न था उसको बनाना है। अभी सेकंड स्पेस के लिए एक नया पैटर्न बनाएंगे यस करके, तो फिर से ड्रा करना पड़ता है एंड इसके बाद कन्फर्म, तो ये रहा अपना न्यू सेकंड स्पेस। अभी आप फिंगरप्रिंट से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेट नाउ पर टैप करके फर्स्ट स्पेस का पासवर्ड देंगे फिंगरप्रिंट, यहाँ पर स्कैन सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट फर्म ओके, तो फिंगरप्रिंट वन, और भी फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं सेकंड स्पेस के लिए, तो जस्ट ऐसे टैप करके सेट नाउ करके तो फर्स्ट स्पेस पर पासवर्ड का देंगे। एंड यहाँ से हम दूसरा फिंगरप्रिंट सेट करेंगे कन्फर्म सेकंड, तो सेकंड स्पेस के लिए ऐड योर फिंगरप्रिंट, तो हम दूसरा फिंगरप्रिंट इसको सेट करेंगे एंड यहाँ से एडेड सक्सेसफुली डन एंड बैक लेंगे कंटिन्यू गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से आपका बिल्कुल सेकंड स्पेस एक अलग ही स्पेस यहाँ पर बिल्कुल है, तो यहाँ पर जो भी ऐप्स रखेंगे जो भी इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर रहेगा एंड वहाँ पर जो भी आप रखेंगे वहाँ पर रहेगा। अगर आपको स्विच करना है फर्स्ट स्पेस सेकंड स्पेस यहाँ पर स्विच करके है एंड जस्ट एक बार टैप कीजिए, फर्स्ट स्पेस का पासवर्ड आपको देना है एंड उसके बाद बिल्कुल आप फर्स्ट स्पेस पर आ गए हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी अपना पर्सनल डेटा हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो वो आप बिल्कुल सेकंड स्पेस पर रख सकते हैं एंड फर्स्ट स्पेस है वो आप जनरली यूज़ करने के लिए भी रख सकते हैं, वैसे बहुत ही हेल्प होगा। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प होगा एंड आप यूटिलाइज कीजिए इस फर्स्ट स्पेस एंड सेकंड स्पेस को, बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, जस्ट स्विच पर टैप करना है एंड दूसरा फिंगरप्रिंट हमने जो सेट किया था अगर देंगे तो बिल्कुल सेकंड स्पेस पर चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगा वन स्पेस टू अनदर स्पेस, तो प्राइवेट प्राइवेट रहेगा, पर्सनल जो भी आप यहाँ पर डालते हैं यहीं पर रहेगा, वहाँ पर मिक्स नहीं होगा, तो बहुत ही बढ़िया एंड अच्छा यह है कि आपको सेकंड स्पेस मिलता है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।